डीडी पंजाबी ते खास खबर एक नज़र देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत। मैं हाँ वंदना खन्ना ते रोज़ की तरह खास खास खबरों ते विचार चर्चा करन दे लई आज साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने सीनियर पत्रकार एच एस बावा जो कि संपादक ने yespunjab.com दे। आओ सब तो पहला उन्हों का स्वागत करते हैं। बावा साहब, प्रोग्राम खास खबर एक नज़र दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत जी। सुन रुक करते हैं अज दीआं खास खबरों वल। परसों पुलवामा दे विच मंदभागी घटना हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दहशतगर्दा दे नाल नजिठण दे लई सुरक्षा बलों नूं खुली छूट है। तुसीं की कहोगे इस ते? इह समां वंदना जी कौमी सदमे दा समां जी, कौमी शोक दा समां ते कौमी गुस्से दा समां। इस समें दे संदर्भ दे विच ही प्रधानमंत्री ने कल जो बोलिया वो बड़ा थोड़ा बड़ा स्टीक ते बड़ा अर्थ भरपूर जी। उहदे विच एक प्रधानमंत्री का इन्ना ही कह देना कि असी फौज नूं सारे अधिकार दे दिते ने और की करना हुण समां स्थान ते सरूप साडे एक्शन का की होएगा ये साडी फौज ही तय करेगी। मैं समझदा वी इहदे बहुत गंभीर डूंघे अर्थ हुंदे ने। और अगर कल मीटिंग तो बाद प्रधानमंत्री ये कहंदे ने तो सानू ये भरोसा करना चाहिए भी कोई ना कोई कदम ऐसे चुके जाणगे जिहड़े पब्लिक सेंटीमेंट नूं ही एड्रैस नहीं करनगे, जिहड़े लोकां दे गुस्से नूं ही शांत नहीं करनगे, इस समस्या दे हल वल भी तुरनगे जी। क्योंकि हो की रहा, आपां वड्डे हमलियां दी वेट करते हैं, समस्या जदके उत्थे दी उत्थे खड़ी है। अज अतवादियों ने 2 मार दिते, अज अतवादियों ने 5 मार दिते, अज अतवादियों ने 8 मार दिते। जदों गिनती जाके 19 बनती है या 17 बनती है उड़ी च, तो फिर 44 बनती है पुलवामा च, उदों देश नूं लगता एक झटका तो देश नूं लगता भी कुछ करना चाहिए तो देश नूं ज़्यादा गुस्सा आता। मेरा मनना यह है ठीक है, बहुत मंदभागी गल है, इस तो वड्डी मंदभागी गल कोई हो नहीं सकती कि अज 44 घर 70 विछे हुए हैं और उन्हां लोकां दे जिहड़े लोग अपनी जान दा ते ला के इस वास्ते दा ते लाउंदे ने कि असी रातां नूं सुख दीआं नींदां सौ सकीए। जदों उन्हां दी इह हालत हुंदी है तां गुस्सा पनपना जिहड़ा लाजमी है, पर इहदे च वड्डी गल जिहड़ी इह है कि असी अपनी पॉलिसी तय नहीं कर पा रहे जी। सानू अजे दुविधा चांस सी, सानू अजे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान नाल विद आयरन हैंड हाँ जी डील करना, सख्ती नाल डील करना या फिर अजे गल वकड़ी पा के काम चल सकता जी। अजे असी कदी नरम कदी गर्म वाली फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी जिहड़ी है उहदे ते काम कर रहे हैं। देश नू इह समझना पैणा कि भावें इनू असी किसे तरीके ठल पाईए अंत इनू ठल पाउणी पैणी है जी। ते मैनू ये कहन लग्या थोड़ा अफसोस जरूर हुंदा, हालांकि मेरा किसी पार्टियां नाल या किसी सरकारां नाल कोई तलक नहीं, पिछले इन्ने दहाकियां दे विच जिहड़ी समस्या नूं असी हल नहीं कर सके ते जिहड़ी समस्या दे हल दा दावा ते वादा करके असी सरकार च आए, 5 सालां बाद अज वी गल उत्थे खड़ी है जी, उस तो अगे नहीं तुरी। इस करके असी अज प्रधानमंत्री दे चेहरे वल देख के, प्रधानमंत्री दी शख्सियत वल देख के प्रधानमंत्री ते भरोसा करदे हाँ कि कुछ ना कुछ जरूर होएगा और जो होएगा वो देश दे हित च होएगा, देश दे लोकां दे हित च होएगा और ये भी देख के होएगा कि इनू कित्थे तक लै जाना है, उहदे की फायदे ने की नुकसान ने जी। बाबा साहब, भारत ने पाकिस्तान नूं तरजीही देश यानी कि मोस्ट फेवर्ड कंट्री दा दर्जा जिहड़ा दित्ता होया सी कल वापस लै लिया, इस ते की कहोगे तुसीं? एक कदम किस तरह दा? हाँ, ये देर नाल चुकिया गया, देर मैं लमका के तां कहा कि काफ़ी देर नाल चुकिया गया जिहड़ा जी, वो चंगा कदम है, सही कदम है, पर दूजे बन्ने ये इस एक्शन का एक रिएक्शन तो हो सकता है, ये इस उस कल वाले परसों वाले एक्शन का कोई हल नहीं है, कोई ये किसी समस्या का हल नहीं। हाँ, ये सिंबोलिक एक गल जरूर है कि असी उन्हां नूं कोई दर्जा दिता हुआ सी, असी उन्हां तों वो दर्जा वापस लै लिया। इस दर्जे नाल व्यापारां ते तां इधरले कुछ व्यापारियां ते उधरले कुछ व्यापारियां ते
कोई फर्क पै सकता, रिश्तियां ते तां कुछ फर्क पै सकता, रिश्ते एक स्टैप थले आए आपां कह सकते हैं जी, पर आपां कहिए कि इहदे नाल अतवाद नूं ठल पएगी या ये जो साडे नाल रोज़ हो रहा उहदा कोई फर्क पएगा, वह फर्क नहीं पैना, इहदे लई होर कदम चुके जाने जरूरी ने जी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हुण गलबात दा वेला लंघ गया, देश विच इस वेले बहुत गुस्सा है, इस नाल नजिठण दा की विकल्प हो सकते ने देश दे कोल इस तरह दे मामले? विकल्प नवे भी बनाए जा सकते ने जी, क्योंकि इनोवेशन कीतियां जांदियां ने हमेशा लड़ाइयां च भी, किसी समस्या नूं टैकल करन च भी इनोवेशन होंदियां ने, जिहड़े आम हल ने, जिहड़े आम हल समझे जा रहे ने, वो एक तां इह हुंदा कि कूटनीतिक तौर पर इस समस्या दे प्रति, इस हमले दे प्रति असी होर चारे करिए, होर चाराजोई करिए, जिदे नाल असी कूटनीतिक तौर पर इहदा कोई हल लभ सकीए जी। दूसरा यह हुंदा कि असी पाकिस्तान नूं किद्दां वध तो वध आइसोलेट कर सकते हैं, विश्व पद्धर च वक्खरे कर सकते हैं, अग्गे भी असी कीता पर असी यह भी देख रहे हैं कि उस करण दा सानू कोई बहुता लाभ नहीं मिलिया, असी कोई नैट रिजल्ट नहीं कढ पाए, असी कोई वह आउटपुट नहीं कढ पाए जिहड़ी साडे वास्ते सुखामी साबित हो सके जी। इस तों इलावा सर्जिकल स्ट्राइक दी एक ऑप्शन हुंदी है, सर्जिकल स्ट्राइक दी ऑप्शन जिहड़ी है ना वह यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक आपां इक करके वेख भी लईए, उहदे बावजूद ये वापरिया। दूजा यह है कि जिहड़ी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप ऑपरेशन जिहड़ा अखीरला ऑपरेशन है ना वह हुंदा है जो अमेरिका ने किया सी ते लादेन नूं लभ के थाएं मारिया सी जी। इस तरह की पोजिशन च क्या अज इंडिया है कि वह जाके जैश दे चीफ मसूद अजहर नूं इस तरह की कार्रवाई कोई अंजाम दे सके जी? ये अजे साडी समझ तो परे दी गल है, ये साडी फौज दी समझ दी गल है, ये साडी सरकार दी समझ दी गल है। तो इस तरह इस तो अलावा जिहड़ी ऑप्शन हुंदी है वह ऑप्शन बड़ी भयानक हुंदी है, उस ऑप्शन ते जाण तो पहला असी ही नहीं, आम लोगों ने ही नहीं, पॉलिटिशियंस ने ही नहीं, सरकारां ने ही भी 100 बार सोचना हुंदा, वह प्रपोर्शन हुंदी है फुल ब्लोन वार दी कि एक जंग छेड़ के इस मसले का हल लभ्या जाए। ये मैं असी इनू सरकार दी विजडम ते छड़ सकते हैं कि सरकार इहदे बारे की सोचती है ते किदां दा सोचती है, पर जिस तरह का प्रैशर देश दे अंदरों सरकार ते है ते जो कल बॉडी लैंग्वेज सीगी प्रधानमंत्री जी दी उन्हूं वेख के लगता है कि कोई अचंभत करन वाली गल साडे सामने जल्दी आ सकती जी। बहुत सारे देश इस पुलवामा हमले दे विरोध दे विच आ गए ने, भारत नूं सपोर्ट कर रहे ने, ये जिहड़ा साथ है किन्ना क लम्मा तुहानूं लगदा चलेगा? साथ लम्मा वह हुंदा जिहड़ा निभाया जाए जी, साथ तां सानूं है, साथ सानूं अमेरिका दा भी है, साथ सानूं कैनेडा दा भी है, यूके दा भी है, होर बहुत सारे देशां दा सानूं साथ है, जे बयान साथ हुंदे ने तां सानूं साथ हैगा जी, जे साडा प्रधानमंत्री जावे तो उहदी इज्जत कीती जावे तो सानू साथ हैगा जी, जे साडा प्रधानमंत्री जावे तो उन्हूं जफ़ी पाई जावे ये साथ हैगा, साथ अजे प्रैक्टिकल नहीं आया, साथ तां प्रैक्टिकल आएगा उदों प्रैक्टिकल मन्नांगे। अमेरिका अज एलानिया कहिंदा और एक बार नहीं उन्हां दे पहलां ओबामा कहिंदे सन, हुण ट्रंप कहिंदे ने कि साडी अतवाद के खिलाफ लड़ाई है जी, ना ना लड़ाई अतवाद के खिलाफ नहीं, लड़ाई है अमरीका विच अतवाद होवे उहदे खिलाफ जी, लड़ाई भारत लड़ रहा रोज़ अतवाद के खिलाफ, तो पाकिस्तान नूं आपां मदद दिंदे आ ते पाकिस्तान नाल इंडिया का बैलेंस बनाउंदे आ, इह अतवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं होंदी जी। अतवाद के खिलाफ लड़ाई उस दिन होएगी जिस दिन प्रैक्टिकली कोई देश अगे वध के आउणगे कि इह काम बहुत माड़ा हो रहा, पाकिस्तान अपने कार्यां नूं सुधार नहीं रहा, अपने च सुधार नहीं लिया रहा, ये और देखण वाली गल ये है कि सारे लोग ये समझते ने, सारे देश ये समझते ने कि जिहड़ी अपने घर लगी वो अग दूजे दे लगी बसंतर हुंदी है, हुंदी है, इस गल च कोई शक नहीं कि हुंदी भी है जी, पर वो जिहड़ी अग एक घर नूं कदी लगदी है ना वो दूजे घरां नूं ट्रैवल भी करती है, वो नाल दूजियां नूं चपेट च भी लैंदी है। इस वेले सारा संसार एक ग्लोबल विलेज है, इहदे च कदों किन्ने कित्थे की कर जाणा,
पाकिस्तान चो लभ्या ना अला दीन ते हमला कित्थे कीता सी। इस करके ये नहीं समझना चाहिए जिन्हां देशां ने साडे नाल हमदर्दी प्रगटाई है अजे उन्हां दी हमदर्दी आई है अजे उन्हां दी मदद नहीं आई अजे उन्हां दी मदद नज़र नहीं आ रही उन्हां नूं साडे नाल सिर जोड़ के बहना चाहिए कि ये अतवाद किदां आपां खत्म कर सकते जी। बिल्कुल दूजे देशों की आपां सपोर्ट की गल करते हैं तो चीन ने एक बार फिर वखरा रुख अख्तियार किया मसूद अजहर नूं लैके चीन दे स्टैंड बारे तुसीं की सोचते हो? चीन जिहड़ियां खेडां खेडदा एक पलड़े च सानू बहा के ते एक पलड़े च पाकिस्तान नू बहा के चीन दा तौखला यह भी है कि भारत बहुत वड्डी ताकत बन रहा है इस खित्ते च। चीन दा तौखला यह भी है कि यह साइज़ पक्खों भी वड्डा देश है ये ताकत पक्खों भी वड्डा देश है ये लोकतंत्र पक्खों भी वड्डा देश है और इहदे च जज्बा भी हैगा। चीन नू ये गल्लां एवें ही अपना अंदरला कोई डर मारदा। भारत इस तरह का रवैया कदी रखिया नहीं कि असी किसी के खिलाफ जा रहे हैं या किसी नू तंग कर रहे हैं पर चीन अपनी इस खित्ते विच सुपरमेसी नू कायम रखन लई पाकिस्तान नू हाथ दिंदा और मैं समझदा कि जिहड़े ये यतन ने कि चीन नू भी इस गल ते कॉर्नर किया जाए कि चीन की भी इस गल ते आइसोलेशन बनाई जाए कि चीन नू भी इस गल ते वखरा किया जाए कि चीन एक किहड़ा स्टैंड लै रहा उस मसूद अजहर उस जैश नू जिन्हों दूजे वड्डे वड्डे देश बैन कर चुके ने जिहदे ते पाबंदी ला चुके ने उहदे ते अगर चीन उहदे हक विच खड़ा हुंदा तो फिर तो यही है कि उन्हां देशां नू चीन नाल भी गल करनी चाहीदी है। बिल्कुल और भारत नू यह मुद्दा जिहड़ा एक कौमांतरी पद्धर ते उठाना चाहिए मुद्दा हुण सिर्फ इत्थे तक नहीं रखना चाहिए कि क्या चीन उहनू मदद दे रहा या नहीं दे रहा या चीन उन्हों उदे खिलाफ यूएन च जाना चाहता या नहीं जाना चाहता मुद्दा इत्थे लियांदे जाना चाहिए कि चीन ये की कर रहा जी और चीन की चाहता जी जी। बिल्कुल पुलवामा हमले की गल करिए बाबा साहब केड़ी चूक साढ़े को हुई केड़ियां खामियां रह गई कि इस घटना तो बचा जा सकता सी? देखो जदों कोई लसेंस लसुंस बनाने होंगे ना कोई पासपोर्ट बनाना होंगे जी तो उदों कोई फाइल मैं तुहाडे कोल भेजा तो तुहाडे टेबल ते पई रह जाए हफ्ता या तुसी उहदे ते कार्रवाई ना करो तो शायद कोई नुकसान जिहड़ा वह छोटा ही होएगा नुकसान तो वह भी होंगे जी पर वह छोटा ही होएगा। पर जदों आई जी उस सूबे की पुलिस का एक चिट्ठी कढ देवे सी आर पी एफ नू बी एस एफ नू आई टी बी पी नू होर सारिया सुरक्षा एजेंसियां नू कि बई इन्हां दिनां दे विच विस्फोटक दे नाल हमले हो सकते ने जी और स्पैसीफिक वह लैटर होवे वह लैटर हुण बाहर आ जावे तो वह लैटर जिहड़ी है सी आर पी एफ नू भी गई होवे उन्हां हालातां दे विच 2500 तो वध जवान आपां 75 गड्डियां दे विच तोर दईए और फिर उदों ये ख्याल ना करिए कि आसे पासों कोई गल ना हो जाए और एक हाईवे ते तोर दी ते नाल जिहड़ा जनरल ट्रैफिक है वह चलता रहे ये चूक जिहड़ी है इस चूक वाल जरूर ख्याल करना चाहिए। वह चिट्ठी जिहड़ी है वह किहदे टेबल ते गई सी उहने अगों उहदे ते की एक्शन लिया जे उहने एक्शन नहीं लिया तो असी उहदे ते की एक्शन लिया ये सारियां गल्लां भी पब्लिक डोमेन च आनियां चाहीदियां ने लोगों के सामने आनियां चाहीदियां ने। अक्सर कितें कोई चूक हुंदी है ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 12-12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਘਾਟਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਗਏ ਜੀ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਦੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12-12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ 1-1 ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਉਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੁਭਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ 65 ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 71 ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 99 ਵਾਲਾ ਕਾਰਗਿਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਅ ਕੋਸਟ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਾਈ ਮਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ
और वो वड्डी सपोर्ट कड़ी है ये हुण देश जानता जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सब तो तेज रेलगड्डी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, इस बारे विस्तार दे विच। बहुत देश नूं इस गल की वधाई है जी जी कि ये गड्डी चली है, पर गल ये भी है कि गड्डियां तेज चलाओ, गड्डियां सोहणियां चलाओ, गड्डियां नूं सोहणियां रखो भी जी। जदों जिहड़ियां गड्डियां चल रही ने जदों उन्हां च जाईदा है तो उत्थे मैं चंगियां गड्डियां दी गल कर रहा, चंगियां गड्डियां च भी चंगे घरां दे लोक जाके अगर नक्क मूंह सुकेड़दे ने तो इहदा मतलब यह है कि यह टिप्पणी है कि असीं सिस्टम नूं किद्दां चला रहे हैं। चंगियां गड्डियां चलन, साफ गड्डियां चलन, सोहणियां गड्डियां चलन, तेज़ गड्डियां चलन, पर उन्हां दी मेंटेनेंस भी होवे और लोकां नूं सुख सहूलतां पूरियां मिलन, ये साड़ी कामना जी। मैं समझना कि सरकार इस पास से भी कोई काम करेगी जी। बाबा साहब, प्रोग्राम खास खबर एक नज़र का समय इतने समाप्त होंगे, तुसी प्रोग्राम दे विच आए, साडे नाल इन्नी सारी जानकारी सांझी की, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस दे नाल ही मैनू वंदना खन्ना नूं ते साडे माहिर मेहमान HS बावा नूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।